हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्लाइंग बर्ड में। आज हम नेपाल के गोदावरी में हैं और ये आपको कुछ सरप्राइजिंग दिखाने वाले हैं जो कि चलते चलते दिखाएंगे। ये जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं और ये बिल्कुल लकड़ियों का बना हुआ है। चलिए देखते हैं कैसा है। और ये अभी के टाइम का नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। लोग उस टाइम पे अपने जितने भी काम होते थे इसी पुल के थ्रू करते थे, यहाँ से आना जाना। यहाँ से कोई गिर भी जाए तो शायद ही हड्डियाँ मिले। चलिए आगे देखते हैं कैसा है। यहाँ पर लोग आजकल घूमने आ रखे हैं क्योंकि अब ये बंद। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पुल में कितने बड़े बड़े नट्स लगे हुए हैं। ये पुराने ज़माने में यहाँ के जो लोकल मिस्त्री हैं उनके द्वारा ये बनाया गया था। ये पूरे लकड़ की है, पूरी लकड़ की है, जितना भी आप देख पा रहे हो टोटली लकड़ की है ये। और पता नहीं कैसे कैसे इसमें 10 से कह रहे 40 टन तक के ट्रक गुजरते हैं। तो मतलब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। कर दिया गया है नए पुल के थ्रू, तो हम आपको दिखाएंगे। रिप्लेस कर दिया गया है और यहाँ देख रहे हो आप इसकी हालत वैसे इतनी, फिर इसको बंद करने के बाद इसको इतना मेंटेनेंस नहीं किया गया, तो इस वजह से इसका थोड़ा हालात अभी वो नहीं है। बट इसको टूरिस्ट प्लेस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं और चैनल के जो ओनर है वो देख रहे हो, वो ज़्यादा बोलते नहीं है। हार्ट बीट और एक चीज़ हमेशा नीचे दिख रहा है हमें, ये पानी कैसे बह। ये कॉमन चीज़ मिलेगा जहाँ पर आपको हर एक जगह जो बौद्धिस्ट को मानते हैं उनके लिए है ये फ्लैग। इस पुल ने रिप्लेस कर दिया है, वो जो आप सामने देख पा रहे होंगे वो जो आप सामने, बट ये अब टूरिस्ट एरिया बन चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज के लिए। तो आप जैसे कि देख ही चुके होंगे यहाँ कितनी भीड़ है। चलिए आगे। स्पेशल है कि इसमें जो भी चीजें लगी है ना हैंडमेड है, देखना बहुत सारी चीजें जो हैंडमेड है। ऐसी नहीं है कि कोई अलग से बनाया गया है, अभी भी पूरा प्योर है भाई। इसमें जा सकते हैं बंदे अच्छे से फोटो खींचा। और ऊपर तो आप देख ही रहे होंगे थोड़ा आयरन। और यहाँ पर सब जगह नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है जो कि आप देख ही चुके होंगे, इतना ब्यूटीफुल लगा है। टूरिस्ट के लिए इसे ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर कोई भी कन्वीनियंस वगैरह यूज नहीं हो रहा, तो ये प्रॉपर बंद कर रखा है, आप देख सकते हैं इसे। और यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हुआ है, पुराना है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये हैंडमेड है, उस टाइम पे लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ, मिस्त्रियों ने। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके लिए हम ऐसी इतनी बड़ी नदी को देखने आए हैं जो कि बिल्कुल पहाड़ों से आ रही है। देखिए पानी भी बिल्कुल एकदम साफ है, कोई गंदगी नहीं है। पानी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अब भी इसमें दवाई डाल के सफाई करवाई हुई है। पत्थर भी देखिए कितने बड़े बड़े हैं। बहाने बना सकते हो तो बना लेना, मेरी तो बुरे हाल हो गया, चढ़ाई कितनी है यार। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बाय, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।